मज़ा आएगा इफ़ यू लिसन टू दिस ऑन यूट्यूब तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम टाइम्स एफ यू वॉन्ट टू स्किप अराउंड आगे पीछे कुछ सो यू कैन गो थ्रू देम अगर तुम स्पॉटीफाई वगैरह पे सुन रहे हो तो जस्ट अ हार्ट रिमाइंडर कि हर हफ्ते हमारा नया पॉडकास्ट एपिसोड आता है हर फ्राइडे को सो इफ यू लाइक दिस स्टाफ प्लीज चेक आउट द अदर एपिसोड्स इफ यू आर न्यू इफ यू आर नॉट तो फॉलो वो सब्सक्राइब करो एंड लेट्स जस्ट गेट राइट टू दिस कॉन्वर्जेशन क्योंकि बहुत लंबा बहुत अच्छा और बहुत मजेदार होने वाला है तुम लोगों के लिए

लाइक अभी मेरा एक फ्रेंड का फोन आया था दो पहले सो हीज इन टू प्रॉपर लॉ में है वो और सॉर्ट ऑफ हिज डैड नो लाइक पीपल इन पॉलिटिक्स एंड ही शशि थरूर है वो हमारी जनरेटरी ब्रो तुझे नहीं करना चाहिए था यू शूड नॉट है ब्रो लाइक अबाउट द लॉज लाइक अब मच तो उसके हिसाब से है कि कभी मत लड़ो कुछ मत करो और फिर लाइक फोन पे बात कर रहे थे कहता क्या, क्या चल रहा रहा है मैं मुठ मार रहा हूं, दिन बारहवीं <laughs> uh, भी भी में, to, uh, in, और बार भी में मैं साइंस में था उससे ज्यादा नंबर आए मेरे ठीक है और इंग्लिश में भी उससे ज्यादा आए हैं ठीक है सब कुछ ठीक है तो बस वही है आई मीन

बट आई मीन लाइक जैस गेटिंग यूज टू दिंगटिक सेल्फ आउट की अगर yeah. मैं रेगुलरली बिना अपने आप को सेंसर कर कुछ बोल रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ वो राइट एंड एट द टाइम इज इट्स लाइक की यू टू थिंक अबाउट लाइकोट माई विडियो लेस और

When you read it, now, it's like choose one or two. This will overwhelm the fuck out of you, right? So it's only to like build my email list. Like that's it. So like audience yeah, building, brilliant marketing. And people are right, just like, oh hey, PDF is <laughs> Oh my God, like it's good for like marketing. But I'm like, brilliant I wouldn't want that. Tactic. Yeah, you yeah want I wouldn't that want it? that. Like you want one or two things and just stick with it. Mm. So.

Sure. you have the experience of talking to people you have the experience of meeting people i want to know yeah. what kind of people come to you in help karte ho? what are their perspectives what are their problems especially in this right. pickup not not necessarily the pickup game because i i don't know I, let's I, say dating and social right yeah let's say dating and social life. that that's dating more, and uh, social so <clears throat> generally see um when i started off now then i was like mainly in coaching pickup and people who only knew about pickup were coming right but now as in when things are getting better so now The people I'm coming is Can कि you, पहले उधर इसको define pick up for me I I am हाँ मेरे को समझो कि मैं बिल्कुल ठीक है so let's just say uh, pick up is basically like it's जैसे pick up art बोलते हैं जैसे so I mean it's debatable art है नहीं है सबके ऊपर अपना मन है whatever but it's hmm. it's the skill set where you go up to random people and you talk to them cold call होता है जैसे so this is cold approach okay. that's it कोई जान पहचान नहीं कुछ नहीं है and I feel it's the ultimate form of freedom like of course there may be many forms of freedom but at least on a

Not a platonic, a non platonic intent in mind. Mm, okay. So it's that cup. Uh, and we usually do it in clubs, bars, malls, coffee shops, metro, airports, parties, shadis. आई I मीन mean, <laughs> जहां पे लोग हैं ब्रो जिम्स, जहां पे लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स गोइंग तुम जा रहे हो व्हेन यू सी अ गर्ल यूर सबके साथ होगा एक बंदी इससे बात करनी है बट जो फट रही है लोग देख रहे हैं लोग सुन लेंगे मेरे को मारेंगे पीटेंगे ये मेरे को मारेगी एंड लाइक यू नो सो आफ्टर राइट एवरीबॉडी वांट्स टू डू दैट बेसिक थिंग हाँ। तुमको बात करनी हाँ। है यार और बात करनी है राइट मे बी कुछ हो या नहीं हो जब मेरा फैक्ट की अगर मैं जाके बात करूं बेशक बंदी मना कर दे ठीक है hmm. उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता बट एटलीस्ट ये तो होना कि मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज अगर yeah. तुम तो वो अप्रोच नहीं करते हो ना देन घर जाके यू रिग्रेटेड एंड यू लाइक चुद एक बात नहीं कर पा रहा हूँ अगेन और फिर वो होता है फिर सालों साल होता रहता है तुम फिर भी मर्द हो ठीक है yeah. ऐसा नहीं है बट दैट्स वॉट वी फील एंड

एंड आई एम एग्जैक्टली फॉर जितना पतला इतनी ही बुरी शक्ल ऐसे बंदा ही चाहिए उसको ठीक है क्या पता और अगर वो नहीं भी ढूंढ रही है तब भी प्रॉबेबिलिटी कुछ तो है एक परसेंट प्रॉबेबिलिटी तो होगी jayega i'll go with हो जाएगा na Because agar मान hmm. le तो 100 approaches भी कर रहा है

उसमें बंदो के पास नहीं होते हैं

थिं इज वेन यू कैन डू समथिंग समन एल्स कॉन्ट डू समथिंग राइट सो इट शोज दम अ मिरर ऑफ वॉट यू नॉट एंड दट रियली ट्रिगर्स यू सो यू पुट डाउन दी अदर पर्सन राइट वो एक बेसिक डिफेंस मेकानिजम भी आता है एंड आई फेल दट सो मच पहले राइट एंड एनी वे ह्यूमन बीइंग्स स्पेसिफिकली डेली की डेही में ना डेली में इट्स लाइक नो इट्स क्रीपी टू टॉक टू रैंडम पीपल और राइट जस्ट स्टिक विद योर पीपल और राइट तो वो एक सेंस है डेली में बट देन एक तो उससे आता है मेजरली राइट सेकेंडली जब

Okay. So let's say I really like a sweatshirt. So an example of an egg is going to be Vidan, bro. I love your sweatshirt. My grandmom has the same. Uh -huh. I understand. You're getting it. Yeah. So exactly. that's the example. And that's some people that call people it the push, push, pull technique. Push, pull, push, pull, push, pull is something which is, uh, which is basically flirting, bro. That's how you flirt, right? Yeah, you tease exactly. and stuff. वो वो अलग है बट नेगिंग इज समथिंग जो इट रियली लुक डाउन अपॉन इट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू एज वेल बिकॉज यू माइट एंड अप पिसिंग समवन ऑफ राइट प्लस व्हेन यू आर अ सिक्योर पर्सन यू वुडंट से थिंग्स लाइक दैट जब तक तुम oh. दोस्त नहीं हो अच्छे ठीक है हाँ. जैसे हम दोस्त अस्तों मैं बोलूंगा भाई मेरी दादी के पास भी सेम है राइट दैट्स ह्यूमन बैटर गोइंग ऑन सो नेग का भी कांसेप्ट वाज ऑफ द बैंटर बट व्हेन पीपल स्टार्ट टू डू इट कि दूसरी लड़की की सेल्फ एस्टीम गिराओ क्योंकि हम अपनी yes. तो बढ़ा नहीं सकते हैं तो वो वहां से आते हैं और इसीलिए नेगेटिव नेम्स आ रहे थे उसमें एंड देन ऑफ कोर्स देयर मस्ट हैव बीन अदर थिंग्स काफी ज्यादा चीजें हैं Other time, log पहले परेशान हो जाते थे बट like, uh, फिर हम बाहर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं सो so ये सब स्कैम है तो आधा वो चलता है एट द सेम टाइम गर्ल्सिंगअप एंड मुझे ये करना है. So women, so like, like fucking asshole because of you my boyfriend broke up with me i'm like many guys yeah so at the same time like there have been enough girls who've been like Abby recently this girl texted me she's like I'm, I'm dating my boyfriend for like the past two years mm -hmm. and he approached me randomly i say and abby i saw one of your podcasts with some other guy that i did and she's like thank you so much like i mean what you're doing that's amazing and uh, had you not been there so i mean we, we wouldn't have met so and, and that's that's always the goal of it, right? The intent is always there. But uh, use karate, bro, like martial arts, bro. You're using it for self-defense, you're using it for spiritual growth, or you're using okay. it to murder someone. So it's not the yeah. thing in general. It's how do you use it, you right? Use it. Enough people can enough people okay. can use it to manipulate it into sex as well, right? But at the same time, people think women don't like sex, all right? Specifically the yeah, yeah. white knights are simps. उनकी इज्जत सबसे प्यारी खाली लड़की खुली तजोरी जैसी अपनी इज्जत बचा के रखो बस वही सोट इट कम्स फ्रॉ दट प्लेस ऑल्सो राइट एंड दी आइडिया की बंदो को वर्जिन लड़कियां चाहिए लोग यार तुम हो सो लोग

Forced to buy into the lie कि जब तुम पैसे कमा लोगे ना तो बंदी आ दिस आ, से, से उड़ती हुई आएंगी लड़कियां एक गाड़ी खरीदी बट रियलिटी क्या होती है तुम इंजीनियर हो इंजीनियरिंग करके तुम कोडिंग वाली उसमें जा रहे हो अमेजोन वगैरह में और वहां पर अगर तुम कोड कर रहे हो कहीं पर भी तुम कोड कर रहे हो और वहाँ भी बंद ही होते इंजीनियर जब वहीं जाते वो भी होता है

बंदों ने ली है पॉपुलर वाले और मेरे को uh, वो क्या बोलते हैं और बंदियों ने मेरे को भाव नहीं दिए ठीक है तो अब मैं उनकी इज्जत उतारूंगा और मेरे को बहुत अच्छा फील होगा तो नेगिंग और एक कॉन्सेप्ट होता है एमॉक का एमॉक मतलब अल्फा मेल ऑफ द ग्रुप

बंदे होते हैं जो तुम्हारी इज्जत गिराने की कोशिश करते हैं तो एम ऑफ डिस्ट्रॉयर रूटीस बनते थे ठीक है सो नॉट लाइक थे ब्रो हाँ। हाँ। सही में ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रॉय कर दिया बंदे को और उसकी बंदी ले जाओ लाइक दैट वाज द अल्टीमेट थिंग कि एक बंदा है जिसके साथ बंदी है नॉट दैट दे डेटिंग और नॉट बट यू गो इन देयर एज अ नॉट एंड यू रिप

All right, that. So we don't use nagging, We don't use anything like that. What we focus on is sense of humor, banter, flirting, um, saying things that you want to say, right? Like, just like the call call tha uh, with my uh, private mentoring. So, us one of the clients was like, bro, I was talking to a girl. She was laughing and everything, but then she left. Usko waah rukwaun kaise? Ki wo chali gayi. I said, was she doing anything else? She said, like, no. मैं कहता हूं तू तेरे दिमाग में कभी ये आया कि तू उसको बोले प्लीज प्लीज भी नहीं या तू उसको बोले दैट वेट फॉर 2 मिनट्स आई वांट टू टॉक टू यू कहता

For me, that's always been the goal. Or at least, like, since i have understood and now 10 years down the line, I'm at a space where I can change the things that I don't really like and which might be a little bit manipulative, which might not be really acceptable and stuff. And the concept of alpha male or sub, So, like, we don't talk about all that. So, what we talk about is the authenticity, flirting, banter, um, doing what you want to do, being very clear when your thoughts, words, and actions. All right. All that stuff. And that that becomes like the the end goal of it. Basically enhancing your personality into being the best version of you. True, I mean, true. That yeah. is that is how it should be. At what point did you realize the yeah. difference between this toxic stuff and the authentic stuff? Kya um, so the thing aisa was, bro, was it just bro, naturally? Yeah. So I started following RSD and stuff. Beach mein, right? And they were big proponents of this. But us me, I have had to make certain evolutions because of the culture that we're in in India and just hmm. certain differentiations. But yeah. just say, I think in the first year, bro, first year mein, it wasn't because like. ये याद करो ये बोलो और वो शुरू में इट्स गुड टू गेट यू इट्स लाइक शुरू में इट्स गुड टू गेट यू स्टार्टेड बट बाद में प्रॉब्लम विद मी डूंगम इट्स लाइक कोई कुछ बोलता है तो उसका क्या जवाब देना लोग बोलते हैं भाई यार ये लड़की ये कह रही है क्या रिप्लाई करो अब वो बंदी क्या कह रही है वो मिलियंस ऑफ थिंग्स यू कैन से राइट

Uh, versus remembering lines. Okay. So excited me like Makes just sense. very easy and much more natural. Like now I go up to girls. Of course, there are, there are going to be things which will be repeated because that's me talking my personality, right? I'm going to repeat certain things, but again, it's not like it's never scripted or anything. It's usually like I go up to a girl. I see what I like about her, started conversation on there and just see how that goes, how that proceeds.

कैसी है <laughs>

उससे पहले यू वॉन्ट एक्सप्लोर यर सेक्शुअलिटी एंड एक्सप्लोर पीपल लाइक वट वॉट अड पीपल यू रियली लाइक कि तेरे बन किस बंदी के साथ रही है राइट बिकॉज स्टार्टिंग में यू फील लाइक दिस गर्ल सो क्यूट बट वेन यू वैट डू नो हर देर डिफरेंट थिंग्स अबाउट पर्सनैलिटी है वो भी होता है विच इज दीपल यूज इन द स्टार्ट थोड़ा बहुत एंड देन लेटर ऑन दिस डिसटल डाउन बट बट मेरा वो फिगर आउट करने वाला फेस काफी जल्दी आके निकल गया आई आई मीन दैट्स ग्रेट ना तू पांच साल की उम्र में फिगर आउट करके बैठा हुआ है आठ आठ तोड़ छोड़ है नहीं तो, पांच आठ तो नहीं सोलह तो सत्रह तो 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 चलो सोलह सत्रह मान सकते हो पांच आठ तो नहीं बट आई मीन सी माई एक्सपीरियंस माई एक्सपीरियंस हैव बीन वेरी डिफरेंट इन दिस स्पेस एंड आई हैव कंसिडर माई से वेरी लकी फॉर दैट सीन बट नॉट एवरी वन हैज दैट नॉट एवरी वन हैज दैट लिबर्टी और दैट लक तो मेरा मेरा वही वॉट सी ओके सी द नेचुरल क्वेश्चन दैट राइजेज फ्रॉम दिस इज की नाउ दैट यूर एक्सेबल टू अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लाइंटल राइट

both of these things i mean i don't i don't think about it at all jo hain bande like mujhe wo dekhna hai na mere pe khane ko kitna hai dusre ki plate mein kya hai kya nahi hai i mean i don't care i would want to like my goal is anyway to specifically as a culture indians are the more most repressed like socially we're the right. most fucked up right तुम बाहर जाओगे, तू london ho ke aaya right to wahan pe it's expected for you to go up and start conversations all right it is, it's not it's not it's weird, it's weird for you to interest. go up to a person and say hello

Like, तो ये राइट अगर लेकिन आउट ऑफ द वे जाके गालियां बकने का मर्न है मेरे को तो बकलो भाई वो भी तुम्हें खुशी <laughs> मिल रही है तो बट अगेन जो गालियां सुन लेता है yeah, मैं उल्टी दे देता हूँ

Ah, but I was coming to that. What uh, what do you, what do you think of the phrase "nice guys finish last"? I mean, bro, they don't even finish. चलो ठीक है वो तो हाँ मतलब टॉक टू me हम बात करते हैं उसके बारे में ठीक है. अब दो दो नाइस गाय इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो हमने बोला है लाइक आई वुड वांट टू चेंज द टर्म नाइस गाय ऑल राइट आई वुड वांट टू बी लाइक वीक वीक गाइस फिनिश लास्ट दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू कम एंड व्हेन यू से वीक तो जनरली सबको ही होना है भाई

नहीं नहीं रूफी तो नहीं करते बंदे अच्छे होते हैं कौन सी पार्टीज पार्टीज में रहे हो हो तुम हो, हो जाती चीजें भाई पता नहीं मैंने कब भी अपनी रियलिटी में नहीं देखा कि लोग रूफी कर देते हैं बाकी चीजें जो होती है, no, that, हैं हैं वो दोनों लोग करते

टली exactly. या फिर मेरा बर्थडे है ब्रो, कोई बंदी मिल रही है या जनरली ही है मेरे को कोई बंदी मिली मैं बात कर रहा हूँ बाप का बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है मैंने बहुत कमा लिया एंड बाई ड्रिंक यू नॉ एक्सपेट टू मे बट आई मीन कोई एनी वे दो कोर बीन की पहले बात करनी आनी चाहिए तुम्हें यार

जो इमोशनल स्टिमुलेशन यू गेट द एटलीस्ट मजा तो आ रहा है कुछ पसंद नहीं है तूने hmm. बोला तो डीडीएजे देखने का मैं मैं मेरे को नहीं पसंदा डीडीएल टट्टी है भाई hmm. अच्छे से गाय हुई डी डी एल जे हाँ हाँ मैं भी देखूंगा डी डी एल जहा देखूंगा बेसिकली

द्वार पालो आओ मंदिर आओ हमारे तो बंदे जिसको जो अटक जाएगा वो आ जाएगा जो नहीं आएगा तो भाई उसके लिए कभी था ही नहीं है और आ रहा है तो फ्री वीडियोस देख ले यू लर्न ऑफ इट यू वांट टू इन्वेस्ट मोर यू वांट टू कट डाउन योर लर्निंग यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी डायरेक्टली साइन अप फॉर अ प्रोग्राम विद मी इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड गोना बी बेटर तो वो ये आई जस्ट सी द पीपल जो आ रहे हैं आई एम डूइंग स्टफ्ट फॉर माई सेल्फ वेर आई मल्सो लाइक यू नो क्रिएटिंग बाउंड्री इन स्टफ फॉर माई बता रहा था यार मैं तो जो मिस कर दी ना हमने वो जो बंदे जैसे नाइस वगैरह आते हैं जो नर्ड्स होते हैं उनके ले रहे होते हैं जो हमने भी कवर किया ना तो क्लब्स में मैंने देखा यार बहुत बार देखा मैंने धमकाए काफी ठीक है बंदे तो बात करी लाइक डाइट डाउन द वर जस्ट लाइक नाइस टू है बट उसके आगे कुछ था नहीं सो ही लेफ्ट ही केम मी लाइक ब्रो बात चल रही थी बहुत सही कुछ नहीं पता मुझे कम विद मी मैं चल पा एं हम चलते हैं सो आई लाइक मेरे को इंट्रोड्यूस करा दे तूने बात कर लिया इंट्रोड्यूस देम सो वहां पे कपल गाय एंड गर्ल स्टैंडिंग एंड एम लाइक गो फॉर इट तो ही वेंट तो उसने हाई करा बट नाउ द गर्ल्स डिडंट वांट टू हिम सो हिम द ऑलराइट डांस फ्लो पे थे तो He like, so like right <laughs> <laughs> right? क्या हो गया रिजेक्ट हो गया तो क्या हो गया एंड आई आई नो दिसो टू डू दैटी वाली बात है वो जो उससे पैसे कमाता है उससे ज्यादा मेहनत करी है उसने क्लब में आया yeah. है और मैं मुक्के मार मारोच कराता हूँ मेरे साथ मेरा तू आया है यहाँ पे मैं कराऊंगा तुझे बहन चो तू नहीं जाएगा तू हार मान कैसे सकता है साले बंदे जमीन पे लेट जाते हैं ब्रो मुक्के दे रहा होता हूँ उठा के कंधे पे मैं चल साले अप्रोच कराऊंगा तुम्हें क्यों नहीं तो like, तुम करोगे

जैसे मान ले मैंने अप्रोच करा किसी ने देखा राइट right? hmm. और एंड इट वर्क अमेजिंगली अब वो बंदा बंदे को क्या आता है अरे फक यार मुझे भी तो बात करनी थी तो लड़की से बट मेरे से तो हुई नहीं मतलब मैं तो आ, चूतिया हूं। आ, तो आ, वो चूतिया फीलिंग हटाने के लिए अपनी ईगो प्रोटेक्शन के लिए दे लाफ ऑन ऑन यू 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 एंड एंड पुल डाउन फोर्स टू स्टे देयर लेवल राइज जो ऊपर होते हैं ना वो वो लोगों को ऊपर उठाते हैं अपने साथ राइटर और मेरे को ऐसे बंदे बिल्कुल नहीं पसंद तो जैसे एक बार वो हुआ था स्ट्रॉन्ग टू दीज टू गर्ल्स बात बात करी सब सही था राइट एंड क्लब बंद हुआ तो मैं जा रहा था बंदा बोलता नो

में नहीं, मुझे नहीं जाना। I like, ये इसको तो ठीक करना पड़ेगा इसको तो लग है। है ये मेरा ऐसे <laughs> तो हाथ रखा मैंने यू उसका हाथ नहीं चिरा और मैंने यू देखा मैं सुन हीरो <laughs>

हम थे आईआईटी कानपुर में थे हम लोग ठीक है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो एक गर्ल्स कॉलेज से थी उनकी डांस सोसाइटी थी कॉलेज वॉलेज खत्म हो गया, का कौन कौन हो बाल गया बाल था आई आई आईआईटी कानपुर में थे हम हम डीओ के सो uh, अच्छा। so, दौलतराम नहीं नहीं डांस और कौन से कॉलेज की थी दौलतराम दौलतराम डीआरसी

तुम्हें क्यों पर चल तुम जाओ यहाँ से एंड उस टाइम जो मेरी फटी hmm. हुई थी ना पीछे बीच में <laughs> ये अगर इन्होंने कहा कि नहीं तू कौन होता है साले तू क्या कर रहा है हाँ, फिर हाँ, हो जाती बट तब दिमाग ah. में नहीं आया उस टाइम बट चला गया वो भी दूसरे कॉलेज में हाँ मेरे, मेरे जान पे जाना कोई नहीं था मेरे लॉन्डे दोस्त नहीं थे वहाँ पे हाँ, था वहाँ पे बट टू माई सरप्राइज उसके बाद

Yeah. है ना? बहुत आसान हो जाता है लाइक like, तूने आके सीधा like, ना। और वो बंदे बी रीड नहीं कर पा रहे होंगे तो अगेन सोशल डायनेमिक्स में ना, कुछ क्लियर नहीं समझ आता है कि भैन क्या है क्या नहीं है एंड जनरली विद पिकअपो लाइक यू नो आई मीन एक्सेप्टिंग नो एंड बैकिंग ऑफ वो भी इंपॉर्टेंट है राइट right?

I mean not just guys in my perspective girls also have commitment हाँ, issues everyone has commitment हाँ, issues but from the girls perspective जितनी लडकियों से मैंने हाँ. सवाल पूछे इस podcast से पहले उन्होंने भी यही पूछा कि why do most guys have commitment issues why where does where does that come from um, दो तीन चीजें हैं bro Hmm. alright पहली चीज तो men are generally by nature

इफ यू गेट अगर्ल प्रेगनेट एंड यू लीव तो प्रॉब्लम होती थी ट्राइबल एरिया में भी ले, ले या पिछले सौ साल के पहले भी ले, ले काफी प्रॉब्लम होती थी सोसाइटल ब्ला, ब्ला, राइट ब्ला, 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 ब्ला. Right. Hmm. अब वो चीजें चेंज हो गई हैं बट बायोलॉजी मिलियन ऑफ इस की सौ साल में तो चेंज होने मे बी एक दो जनरेशन में तो, और हो जाएगी इट्स नॉट्लीटली

स लेवल भी हायर है चीजें तुम सोच सकते हो अपने लिए hmm. तो वो उससे रहता है Then, um, then the the next part commitment issues का इसलिए आता है because uh, of the relation with the mother mainly mm -hmm. तो hmm. so trauma and everything that I'm going into now developmental psychology वगैरह में so I'm moving more into that where we're working more on self esteem and our work childhood trauma and अभी मैं certification चल रही है मेरी यार एक traumatic stress studies में and oh. uh, पिछले तीन साल से मैं ये सी में घुसा हूँ all right so because that became the missing point कि तुम बोल तो दोगे बात तो कर लोगे but उसके आगे um, self esteem self worth relationships intimacy commitment issues वो कहाँ से आता है Mm -hmm. so commitment issues is basically bro um we're told to not be vulnerable bachpan mein okay, at the same time 100%. at the at the same time whenever we've tried to be vulnerable we've been shamed like let's say i go up i go up to my father and i'm like play with me he's like no i've got work i go up to my mother she's like chala ja aise kyu pareshan kar raha hai ya fir sometimes even in girl, school kabi, even in school yaar even in school yeah ki bhai men are supposed to be like that women are supposed to be like that even with the thing that uh, you know that you you seek love

उस टाइम में वैन यू डोंट गेट द लव द कोर थिंग बिकम एनी टाइम आई गो फॉर लव एम गोना गेट पेन तो इसलिए या तो क्या कर सकते हैं कि भाई मुझे प्यार चाहिए ही नहीं आई डोंट वॉन्ट लव एट ऑल आई एम हैप्पी माइसे टाइम यू ग्रो अप एंड यू वो वलरेबिलिटी का रिस्क आता है तो दोबारा से वो पेन का रिस्क आता है वो अबैंडनमेंट का रिस्क आता है और राइट और ट्रोमा बहुत ज्यादा भी होते हैं

It's a life decision for a man when he decides to get married or just stick with one girl. That's enough transition in a man's life mein, from that freedom place to like sort of settling down. Because as men, we want to be out there in the in the field and just uh, want to do that. It's it's a more masculine tendency, right? Not everybody would want to do that, but I think everyone of us would. एक्चुअली 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 Yeah. yeah, trauma, to bro, hey, yeah, me, me hota tha, da da, na? which is when mm -hmm. I like, know under I've hooked up with so many people, right? Because it's all like get the validation that I never received from my mom. Uh ghar mm -hmm. pe problems thi, get away from there. Um, but at the same time, agar bhi nahi hota, I think I would, I would still have enough time. I mean, hooking up with people who are in there just to explore sexuality and the curiosity with those experiences. So, yeah, I agree. I mean, that's and I mean, we can, too. we can have an another hour of conversation about why India is so repressed talking about sex and stuff. But yeah. Chalo. Yeah, or trauma, maybe we can hika. have enough conversations, bro. Trauma, I mean, from my perspective, trauma, I don't know. Trauma, you can, you mean, you have to talk to deal with trauma. That is the one way that I know. You have, and you can, you need, uh, you might need professional help with it, you might not hmm. need professional help with it, but that is one way to deal with trauma. And the trauma will stay, Wo jayega nahin, but you know, need hmm. to know how to learn, you need to learn how to live with it, basically, is what I believe. Pa I might be wrong, but it's fine. Yeah. Partially, you're true, but the thing is, when स्पेसिफिकली डेवलपमेंटल ट्रामा एंड एवरी थी एनी टाइम ट्रॉमा या जैसे लाइफ में भी अभी होता है यू बी इन अटनिंग एक्सीडेंट योर बॉडी गोज एन टू शॉक सो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज लाइन प्लस जो तेरा मेमोरी होता है जो कॉन्शियस होता है ब्रेन विच टेल्स यू दैट ये पास्ट में था और ये अभी नहीं है वो नहीं होता है वो ऑफलाइन चला जाता है सो वैन यू टॉक अबाउट इट जब तुम याद करते हो यू आर सोलो रीलिविंग द ट्रामा इन दैट मोमेंट और जो ये लैंग्वेज की बात है ना ये सही है बट द थिंग इज देड्स टू बी स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और एक hmm. लीनियर फैशन में हम बात कर सकते ये वा ये वा ये वो ये वो ये वा वाइल बींग इन द बॉडी एंड देन इट्स ऑलो गेट सॉर्टेड बट बहुत डिसज्वाइंटेड <laughs> रहता है राइट एंड ट्रामा इज इन स्टोर्ड ओनली इन द माइंड ट्रॉमा गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इट विल कम बैक इन दॉर्म ऑफ स्मेल राइट स्मेल बॉडी ऑडिटरी होते हैं जो पीटीएसडी की कितनी हमने मूवीज देखी है, right? जो होते हैं, आते हैं. तो वो बात करेंगे वो बात नहीं पाते है, the hmm. it. तो उसके लिए सिंस ड्रामा स्टोर्ड इन द बॉडी यू गॉट टू डू मोर बॉडी वाले स्टाफ लाइक इट नीड्स टू बी मोर सोमैटिक और uh, उसके लिए दरअ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट experiential stuff karna padta hai. like yoga is a way to get over trauma काफी yeah. a martial so, arts is a way dance would kata. you, would you, would, you would you agree that the best way to deal with this to accept and then start dealing with it because if you don't accept yeah. then you

Uh, I mean it was good in most aspects, but of course there are certain aspects which are good नहीं होते और and that's so the life with everyone That's सबके साथ होता है right तो उसके लिए I am I'm more into this thing because it dials back to our uh, what do you call our social life clearly and our mm -hmm. relationships and our uh, emotional life वगैरह तो उसके लिए that's just another aspect that I want to bring into my work as well तो इसलिए mm -hmm. I like I'm more invested in that as well तो हाँ तो what I was saying was कि and this ah. might be true for both guys yeah. and girls hmm.

घर का माहौल with the, with your parents, जो तुमने रिलेशनशिप देखा है पहला अपने पेरेंट्स का वो बहुत डिसफंक्शनल है लड़ाई हो रही है झगड़े हो रहे हैं वे द मैन ट्रीटन दर्जन ट्रीट ओके सेकेंडली योर रिलेशन विद द अपोजिट सेक्स का पेरेंट राइट विद योर फादर और विद यजीव फ्राम द फादर एंड मदर जो वो होते हैं जितना डिसफंक्शनल वो होगा ना उतना तुम बड़े होकर वैसे ही रिलेशनशिप ढूंढोगे सबको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए बट वाई डू पीपल गेफंक्शन रिलेशनशिप दैट्स वॉट इज सियोर यू डोंट फील टू यू बिकॉज नाइस इज सोम वो है ना ब्रो सोर को तो गंदगी में मजा आता है भाई. <laughs> <laughs> कहीं भी ले जाओ ठीक है एंड साइंटिफिकली uh, भी अगर बताएं टू ग्रुप माइसू उनको दो अलग अलग ने कर दिया दर्स्ट ग्रुप ऑफ माइस वेरी नाइस एनवायरमेंट देर टाइम गुड लाइटिंग दे वर लाइक नॉट ट्रामोटाइज नथिंग उनको खाना मिल रहा है टाइम से प्ले ग्राउंड में दे रखा है उनको सब कुछ बढ़िया है उनका ठीक है से उनको खाना है रैटेक दे रखा है कभी कभी करंट मार देते हैं कभी बारिश कर देते हैं कभी वहाँ पे ना लाइट ऑन ऑफ कर रहे हैं ऐसी स्ट्रोप वाली ठीक है mm -hmm. और बहुत ही क्योंटिक है, है उनको परेशान कर रहे हैं सो देन अप द गेट्स ऑफ बोध बोध और एक बीच वाले एरिया में छोड़ दिया उन्हें न्यूट्रल टेरिटरी में दोनों हैं खेल रहे हैं वगैरह वगैरह एंड सडनली प्लेज रियलीउड नॉइज ओके विच इज इज दिसन दे प्लेट नॉइज

So, you do everything to keep that sense of self alive in your mind. Mm -hmm. All right. So, subconscious mind ka wo hi hai, self identity, self image ban gaye, that I'm not good enough. This is what I deserve. And if I'm not good enough, what does a person who's not good enough deserve? Bad things in life. And once yeah. you get good things in life, it contradicts your core self. Mm -hmm. And not The egos, psh, your mind is always going to pull you back into there. And it's just self sabotage. Hota hai. So much yeah. of procrastination. So much of, uh, you know, sometimes when you're right at the brink of success and you give up.

यू गॉ टू फील द पेन फील द हॉट और वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है जितना रि रिप्रेस कर रखा है अंदर गंद डाल रखा है इस टाइप डस्टबिन हमने अंदर दबा रखा है और क्लीन नहीं करा है कुछ भी सो यू गॉ ब्रिंग दै आउट अगेन द स्मेल इज गम आउट हाथ तुम्हारे गंदे होने हैं बैड एक्सपीरियंस इज गम आउट सो यू गॉ वर्क ऑन दरिजिनल पेन didn't receive. You've got to work with the pain of when my father was beating up my mother. How did that make me feel? All right, and think about that time again and feel that again. All right, and then किसी ने कंट्रोल क्यों नहीं किया जब मैंने कुछ बोला तो मेरी भी पिटाई हुई वहां पर विच इजन विदल राइट टू फील अगे इट इज अड रियालिटी राइट सो यू फील दैट अगेन पूरा पेन एंड देन आफ्टर दैट यू डू सॉर्टेन प्रोसेसिज अगेन इट गोर एक्सपीरियंस यू डू सर्टन प्रोसेस टू गिव यूर सेल्फ वॉट यू डेंट रिसीव यू क्रिएट सेफ्टी इन योर एनवायरमेंट यू एलिवेट योर सेंस ऑफ सेल्फ यू टॉक टू दैट लेट सी दी इन चाइल्ड इन साइड यू एंड इज एन ऑफ So that part of you inside just go luck that he's a piece of shit. You've got to uh, because sort of you're stuck in that space in childhood, right? You haven't gotten out yeah. of it. So yeah. wo pain release, karna hair, you got a deep surgery, uh, emotional surgery, whatever in the realm of the mind, and then bring it out, bandage it, put certain behaviors in place, and then we sort of sort of get out of it. Mm. What what so are relationships your, uh, or? Yeah, mm -hmm. yeah, I was coming to that. What what are your opinions on relationships in the early 20s?

हाँ हाँ एक, एक <laughs> चीज ट्रामा बॉन्डिंग और ट्रामा रिएक्शन गेटिंग समथिंग एल्स इज लाइक कि ना तुम्हें बस ना डिफिकल्ट चीजें करने में ही मजा आता है mm. तुम जब अपनी लाइफ में अगर चीजें स्मूथ होती है ना तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो अगेन इज फ्रॉम दैट स्पेस कि भाई शादी के वालों को अच्छा नहीं लगता कि स्पाइस चाहिए स्पाइस चाहिए के ही चाहिए लाइफ में भाई चीजें अच्छी जा रही है पक्का कुछ गड़बड़ है यू कांट एक्सेप्ट नाइस थिंग्स बिकॉज तुम्हारी रियलिटी क्या है तुम्हारा इंटरनल वर्किंग मॉडल पहले के पांच साल में इज लाइक लाइफ इज के ऑटिक जनरल लाइफ का बन गया और अगर लाइफिक नहीं है तो कुछ गड़बड़ है तो हम खुद बहन जो नेगेटिविटी और खुद ड्रामा लेके आते हैं लाइफ में अपनी एंड इसलिए जब चेज वाली बात आती है इट गुड ऑल्सो नो गर्ल फील राइट वो तो नहीं तो अच्छा इसने तो कुछ करा ही नहीं और बंदे भी तो इफ गर्ल पुट्स आउट वेरी स्लॉट आराम इज्जत ही नहीं है इसमें ठीक है यार आराम से अच्छी बात है भाई मेहनत कम भाई हमारी क्या प्रॉब्लम है बट खुश नहीं है ना दुनिया दुनिया खुश yeah. नहीं है कि पक्का कुछ गड़बड़ी होगी इसमें दे कांट एक्सेप्ट दैट यू नो सम टाइम यू जस्ट कनेक्ट या एंड देन या लेट्स कम बैक टू व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन रिलेशनशिप्स इन द अर्ली टीन्स लेटीज व्हेन वाज योर फर्स्ट रिलेशनशिप आई मीन प्रॉपर रिलेशनशिप रिलेशनशिप हां आई हैव नेवर बीन फुल ऑन इन अ रिलेशनशिप लाइक इमोशनली एज़ वेल बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज बीन इन अ रिलेशनशिप विद सॉर्ट ऑफ vulnerability mm -hmm. rock ke apni ha huh, with a with a wall with a wall in between ha

सो hmm. द so reality I come from आई थिंक वुमेन आर अमेजिंग लाइक यू नो तुम ढंग से रहो उनके साथ बहुत ढंग की बंदियां हैं और बंदे भी ऐसे हैं जो काफी ढंग के हैं कई बंदे होंगे रूफी वाले भी हैं बट लाइक मतलब लोग सही होते हैं व्हाट व्हाट डू यू थिंक ऑफ रिलेशनशिप्स इन जनरल व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट कंसीडरिंग कि तुम्हारे धंधे के अगेंस्ट चला जाता है वो फ्रॉम a... नहीं नहीं साथ ही जाता है ब्रो एकदम करो मैंने बायो भी चेंज कर दिया है

ठीक है यूर सेटलिंग डाउन तुम्हारा फ्रीडम जा रहा है तुम सिंप उसमें पढ़ गए हो तुम लड़कियों के उसमें पढ़ रहे हो और ये कॉन्सेप्ट और सख्त रहना है तुम्हें हमेशा ऑल वो hmm. लड़की तुम्हें मिल नहीं रही है बट तुम्हें रहना है रिजेक्ट हो रहे हो लेकिन सख्त रहना है तो ये कॉन्सेप्ट आते हैं ना तो उस टाइम में होता था हाँ बहनों नहीं करना है बट दैट माई ओन थिंग सो नाउ फास्टॉर्ड नाउ मी वर्किंग ऑन माई सेल्फ गोइंग डीपर इन टू स्परिटी अब वो पॉइंट आ गया जहाक आई वॉन्ट वॉट माई क्लाइंट नीड्स टू डू उसको क्या चाहिए भाई वट डिंग मैरिड ब्रो फ्रॉम माई क्लाइंथ एंड एक बंद की शादी हुई थी मैंने ही उसको बंदी से मिलवाया था बिकॉज आई टू केम फॉर अस्पिरिचुअल वर्क वेर ही मैट द गर्ल एंड शी इज अमेजिंग द गर्ल इज लाइक क्षितिज थैंक यू सो मच यू गॉड एम हर यू टॉट एम स्टॉफ एक दो बंदो की और शादी हुई है एक बंद ने अभी बोला भाई मेरा हो गया डन आई एम थोड़ी फॉर नाउ आई वॉन्ट गेट मैर लाइ क्रेस ब्रो बहुत सही है चाहिए तो और अगैन द्यूज ठीक है लोग हैंड सीट मैरिड मैं सीधा जाके खुद मिल रहा हूँ लड़कियों से

एक सेंस ऑफ अबंडेंस से आओगे अपनी गांड नहीं मराओगे रिलेशनशिप्स में इमेस्कुलेट uh, नहीं होगे जो फ्रेंड जोन में नहीं फंसोगे अपने पैसे नहीं खर्चोगे लड़कियों के ऊपर बिना बात सोच में so, कि कुछ मिलेगा वहाँ पे लाइफ अच्छी 100%. जाएगी तो इट आई फील इट्स अ लाइफ स्किल जो एनीवे anyway होनी चाहिए यार एंड देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद इट आई एग्री आई एग्री एंड हां आई एग्री 100% हां व्हाट 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 डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बिकॉज़ उनकी भी एक अलग ही दुनिया चलती रहती है वो तो नहीं यार यू डोंट

Hmm. I would make sure to meet her four times a month at least. Of course. आर, हाँ जिसमें से दो बारी I'll fly there and दो बारी वो really fly है।, कर रही है। yeah. या फिर हम कहीं उतना तो minimum करना चाहिए यार अगर वो ही नहीं हो रहा है ना तो फिर कुछ पता नहीं कौन क्या कर रहा है। Right? Hmm. वो यूर मोस्ट एक्सेप्टेबल to जी time के ऊपर depend करता है ऊपर से will get more difficult for you। But I think once a week अगर हम मिल रहे हैं तो it's still done। But यूएस और इंडिया चल रहा है तो भाई कुछ ज्यादा ही तुम्हारे उसमें होना चाहिए एकदम नहीं हमें करना ही शिद्द

वो सारे भी मतलब भी लड़का भी लड़की भी लड़की दे कम फ्रॉम वेरी बैकग्राउंड डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ़ अदर लाइफ कि मेरे को नौकरी करनी है मेरे को यूएस जाना है पढ़ने दो साल तब mm -hmm. जाके मेरे जीवन में कुछ होगा तो इट्स वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आई हैव बीन चाइल्डहुड भी सही भी भी है तो अच्छा है यार अगर ऐसा हो रहा है

थ में, था या या, या, 11th में था मैंने देखे अपने की जा रहा हूँ घर मेरे को नहीं मिलना इन लोगो से बहुत बुरे सीनियर बहुत ही करना ही पड़ता है भाई वो ना एक लाइफ स्किल भी है ऑप्शन आएंगे ना वहाँ तुम्हारी गांड पढ़ने वाली है तो आप क्लियर आउट करो कि मैं जो ये कर रहा हूं और ये स्टिक विद दैट चॉइस लाइक यू गॉट अ लर्न इन लाइफ दैट यू विल हैव टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस नो चॉइस इज गोना बी लाइक ऐसा नहीं होगा कि दो में से एक ही सही चॉइस होगा दोनों सही चॉइस होगा no no हो 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 और वो टाइम के साथ पता चलेगा कौन सा बेटर चॉइस था बट द बेस्ट चॉइस इज गोना बी जो तुमने उस टाइम डिसाइड कर लिया एंड फॉरगेट अबाउट द सेकंड वन कि ऐसे हो जाता ठीक है बिकॉज यू डिसाइडेड इट उस टाइम पे तुम्हें सही लगा तो तुमने कर लिया हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट राइड इट टिल टिल द टाइम यू कैन

लड़की है तो ऐश्वर्या राय बनेगी लड़का है तो कोहली बनेगा <laughs> तो, तो ना इंटरनेशनली तो हैं है, भाई वो फुल पावर चले होते हैं ट्वेंटीज में लड़कियां डेट कर रहे होते हैं वर्जन वो वर्जन का कौन है वो ब्रांसन वगैरह भी देख ले वो भी लगे हुए हैं तो बंदे हमेशा ही लगे रहते हैं तो उस सीन में हम खुश हैं हमारे साथ और दिंग बींग एज का फैक्टर है जो दुनिया तो यार पता नहीं क्या क्या बोलेगी बट देर विलर बी सर्टन पीपल हुए

This has come to an end. I'll work on it, but once it's come to an end, it's done, or right? it's done. I'm fine with it. And I've done it. I can still go out and still meet people. And how do you think one right. uh, should? I mean, one problem? common is once you are in a relationship or once you have uh, a routine and stability in life, the routine hmm, gets boring. Hmm. How do you? No, how would, you got how would spice you, in life, yaar. and what do, do you mean wo... by spice? What? 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 What I mean, would connotate to... spice? <laughs> Different things in the bedroom. You can try new things. Uh, in the bedroom behind closed doors, you can try new things. You can see what what's nice, what's not nice, and then mm. at the same time, it's about growth. Like mm. the best thing a couple can do is take up a project together and then grow see together as a person. Together. Travel together, um, and uh, decide what you want to do. Like you know, if you're if you're dating or when you're getting married, you'd be like, all right, I want to travel the world. So you travel with your wife or your girlfriend. Um, mm. you take up a new hobby together. और आई यू मेंबी लर्न डांसिंग टुगेदर यू मेंबी स्टार्ट एन न्यू बिजनेस टुगेदर ऑल राइट बिजनेस तो रहनी ही देना तो सीन हो जाएंगे वहां पे तो थोड़ा लाइक वाली ज़्यादा बट व्हेन यू व्हेन यू डू डोस थिंग्स टुगेदर तो उसमें काफी वो स्पाइस रहता है एट द सेम टाइम लाइक रूटी

बट अगर तुम्हें पहले देखना है की जो तुम डिसीजन ले रहे हो तुम्हारे ट्रामा से आ रहा है पास से आ रहा है फ्यर बेस्ड माइंड सेट से आ रहा है या असली में वो तुम्हारा डिसीजन है या सोसाइटी का बेस्ड डिसीजन है

uh so, true i don't i don't have to necessarily go out looking for people right, mere right, dm instagram pe right. aa jate hain log बट i mm -hmm. i don't know mera kabhi man hi nahi karta hai ki main unse baat-baat karu maybe it's that phase mm -hmm. in my life jab mereko sirf kaam pe focus karna i don't want to do a ट्रू वो, चल रहा है भी।, वो right. भी है वो भी है लाइक आई मीन पता है जितना हम काम करते हैं ना उतना बीइंग बहुत लोनली हो जाता है राइट right? mm -hmm. बहुत वो हो जाता है कि बहन जो इसी में फंसे हुए दिन रात यही चीजें कर रहे हैं तो व्हेन यू हैव अ गर्लफ्रेंड और व्हेन यू हैव गर्ल्स मीटिंग काफी सही hey. रहता है

So she's like, yes, yes. And there's very, like, I mean, you know, as a coach, you need to be very non judgmental. So mm -hmm. then you can be very honest about it. And, and I was literally like, ma'am, I mean, I've hooked up with a lot of people and it's been very casual, just sex and intercourse and stuff. And now it's come to a point where I feel that, I mean, sex, random sex, random hooking up with people is just like me masturbating. Mm -hmm. Like, I don't feel any difference. It's just like the same. I'm just trying to just get off. And uh, I don't know what should I do? Like, should I take like, stop and like, should I? stop till the time i'm in a relationship or should i continue or like what is happening it, it just doesn't feel good earlier as any other earlier it was all like oh yeah we're having sex and there was all a that. there was a high there was a high which Haan, is there not a, there, there, there anymore yeah yeah i mean i've had enough so she goes like she did see first of all you got to stop Alright, you've come to this realization naturally. So you gotta stop. All right. And when she said that you have to stop and everything, I agreed, I wanted to do it. But it was a sense of momentum and with my work, I In the moment, I'm still getting turned on. There is still stuff happening. The girls are amazing. So yeah. Um, I think that went on for like an year, like a year or something around. And then now, like the months, specifically locked on my team, I was completely fine.

satisfaction और contentment दैट आई वेंट आउट टू लुक फॉर एंड इफ दैट इज़ नॉट आउट देर दैन आई माइट एस वेल यू नो स्टे कंटेंड अपने आप में काम में फोकस right. करो एंड एफ एंड व्हेन थिंग्स सेटल डाउन जब कोरोना बोरोना चला जाएगा तो मिलेंगे so लोगों sure. लो से बहुत बड़ा शहर है बहुत बड़ा देश है बहुत बड़ी � I think पहले तीन चार साल में गेम के मेरी आइडेंटिटी बन गई थी कि मैं नंबर ऑफ पीपल और स्पेसिफिकली पिकअप कोच कि अगर मैं वैन बंदियों से मिल ही नहीं रहा हूँ तो मैं क्या ही कर रहा हूँ क्या बट ना सेंस ऑफ मेचोरिटी देंस ऑफ सिक्योरनेस बिकॉज मैं स्टीम जो डीप लेवल पे जितना ट्रामा वगैरह था वो हील हुआ है so who cares bro like i mean i don't want to do it i'm not going to do it i'm not going to betray myself i I will not betray myself i will take care of myself because that's the decision i've, I've taken like i will take care of myself basic i not for me i will stand mm -hmm. up for myself what i want so now naturally whatever it's fucking happens so

Get a yeah. fuck boy, change him into like uh, DDL. Job. That is the fantasy. हाँ ये तो अरे तो ये fantasy है ना वो ये fantasy sala इन्होंने T V shows वगैरह ने दिखा रखा है हमको लड़कों को भी गलत fantasy ah. सिखाते हैं लड़कियों को भी सिखाते हैं and this is what happens ah. right? when they got in real life and you actually meet real people ah. you realize ki this is not how it works. Yeah. This happened. aur usme bhi This, this happened, एक... happened to me. ha go ahead go ahead उसमें भी? हाँ उसमें भी एक sense of मतलब सही है because the girl I've been talking to she was like it's it's really nice that you you specifically being someone like she would start talking to me because she thought as a fuck boy she just wanted to have a couple of experiences but she started talking to me there's depth in it there's like a lot of chemistry a lot of stuff uh, online maybe you see only one facet of my life right but when yeah. you talk to me there are different facets of my life who am i as a person behind spirituality not drinking yeah nahi, nahi, blah 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 uh, being able to emote emotionally me being encouraging me being supportive rather than lay around for a time so that stays away from the fuck boy fantasy so she's like this is not what i signed up for what the fuck is happening how do you how do you how do you

just trust me like nothing bad will ever happen just you know as a hona hai. and uh ho, ho jata hai, bro. I, I've, I haven't had uh, problems with women uh, into being in a relationship with them kabila i a girl is like no no no, no i don't want to be in a relationship with you but once you spend time then you women realize. are chill about it हाँ बट लोगों को लगता है ना कि हाँ ठीक है शुद्ध बंदियां तो कैजुअल के लिए मिल जाएंगी बट तेरे को रिलेशनशिप के लिए नहीं मिलेंगी मैं कहा बेटा दैट्स नॉट ट्रू तुम really. अपने सार ग्रेप्स में जी रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कुछ तो कमी निकालनी <laughs> है अंगूर खट्टे तो अंगूर खट्टे दिस इज व्हाट हैपेंस एट द

what what would you think of that i mean maine vlog really kiya tha bro i have a vlog channel also mm. jo 90 days vlogging tha daily mm. aur usme dal raha tha main sab kuch i was pretty comfortable with it mm. and uh, um, i mean i don't know kuch itna i don't think farak pad raha hai ya nahi it depends on you like agar tumhari life mein farak pad raha hai ya nahi how comfortable you are with that baki to nahi what do you think

और वो इंसान को पब्लिक एक दिख रहा है उससे वो खुश है उसको सोशल चाही जरूरत नहीं है तो वहां रहा बिकॉज़ मैं व्लॉग करता हूँ तो मैं व्लॉग वैसे नहीं करता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है इफ आई एम गोइंग टू बाय समथिंग इन मॉस्को व्लॉग कर लूंगा तुम तो तो uh -huh. मैं क्या खरीद so right. uh -huh. uh, व्लॉग कर रहा थे फ्रॉम दैट पब्लिक सोशल वगैरह की बिकॉज़ हाँ बिकॉज पीपल आर लुकिंग अप टू मे और या, अगर या, मैं उसको नहीं कर रहा हूं तो मैं उनको गलत बातें बता रहा हूं और मैं कोच हूं ठीक yeah. है जैसे मैंने खाली पिकअप का डाला हुआ है और लेट से मैं हुकिंग की बातें कर रहा हूं और yeah. मैं खुद रिलेशनशिप में बैठा हूं देन यू फील बिकॉज सेलिंग यू समथिंग एल्स आई डोटिंग डिफरेंट थिंग विच विलू फॉर यू एंड अगर घर का लोग पता कर लेंगे तो I mean, मेरा चिल है like, हम हम जाट मैं right? मैं अभी भी में ही रहता हूं, मैं में रहता रहता तो कोई आएगा तो मर के ही जाएगा यहाँ पे तो 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 हम हम चिल हैं। बहुत तो, तो हम हैं वैसे वैसे भी वाले ही मे बी तूने अच्छे से सोचा है मैंने अच्छे से नहीं सोचा क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा क्या क्या कर लेगा बहन का थोड़ा मैं उस वाइब में हूं

पता नहीं कुछ बात हो रही थी बंदे तो बहुत मिल जाएंगे तो जो कमिट करेंगे कहती नहीं वो बात नहीं है मैं कहा मेरा क्या मैं तो उल्टा ज्यादा रेड फ्लैग ज्यादा फकबोल टीजिंगलीजिंग एंड शी लाइक दिंग मजा उसमें है आई मीन इट्स इट्स बेटर एंड मेक्स यू ऑल फील बेटर

I think AIB B could have, just AIB could have, they they could have had a lot of options. But the problem was that at that particular point, those guys were facing this stuff. उन्होंने इस magnitude का stuff कभी face नहीं किया था। जो नहीं उनके content को लेकर आया था। अब वो ethics पे आ गई थी बात। कि वो, I mean, hmm. at one point they are calling everyone out who is uh, anti women and, and now hmm. when it strikes home, then it might have been a थोड़ा hmm. controversial issue. I mean they are still Haan, good though... friends, they are still working on their own thing. Maybe just yeah. a phase where they moved on.

मूवीज में हो जाता है मैंने शाहरुख का भी पॉडकास्ट देखा था एआईबी के साथ दोनों पार्ट भाई वो बहुत सही था यार शाहरुख इज लाइक शाहरुख लाइक सुबह सुबह उठता हूँ पहले सुबह उठता था किंग खान यस काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे साला फोन उठाने में ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं आज आज क्या क्या स्कैंडल हो हो गया रहा है कौन सी मूवी बैन करी आज मेरी इन्होंने है यार वही ना वही वाली बात जो सकलिंग बात करती है अगर तुम ऊपर हो तो फिर तुम नीचे वाले को उठाने की कोशिश करोगे नीचे वाले तुमको नीचे खींचने की कोशिश करोगे बहुत सही था यार

थ्रोन टू दिस कानवर्जेशन दोनों तरफ से आ थर्ली एन्जॉय आई होप यू इट इज़ वेल इफ यू डिड नीचे कॉमेंट वॉमेंट छोड़ो स्पॉटीफाई वगैरह पे अगर तुम रिव्यू कर सकते हो तो वो करो मेक श्योर यू हो सब्सक्राइब या फिर फॉलो एंड लाइक बिकॉज हर आफ दिन कॉन्वर्सन आता एंड रियली पॉडकास्ट यू नो गट आउट टू मोर ऑडियंस एंड आई थिंक द नेक्स्ट वन हर फ्राइडे अगले फ्राइडे उससे अगले फ्राइडे उससे अगले, अगले फ्राइडे तब तक तो के लिए गुड बाय